हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हैप्पी पिल्स। तो आई होप कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो आज आपके लिए एक और नई वीडियो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट के थ्रू ले आए, जो आपके थ्रू हमें पता चले थे। हाँ। तो बेला का नया सॉन्ग आया गाइस, वंडर बॉय म्यूजिक वीडियो, जो उनकी एल्बम प्रूव देम रॉन्ग का एक सॉन्ग है। तो हमने इससे पहले घर वाले सॉन्ग पे भी अपना रिएक्शन दिया था, तो उसको भी जाके चेकआउट कीजिए। और घर वाले सॉन्ग बहुत तगड़ा लगा, लिरिक्स ना एक नंबर। बेला का भी मुझे लिरिक्स वाला पार्ट काफी अच्छा लगता है ना। हाँ, बेला भी बिल्कुल लिरिक्स पे बिल्कुल ध्यान देके लिखते है ना, कि जो उनकी फीलिंग्स है वो सब। तो वो ज्यादा कॉमर्शियल सॉन्ग्स ऐसे बनाते हैं, वो मोस्टली ऐसे ही बना कॉमर्शियल सॉन्ग्स बनाए हैं उन्होंने, देखा है। और काफी वर्सेटाइल सिंगर है वो, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर ट्राई करते रहते हैं। मतलब राइटिंग भी उनकी बहुत तगड़ी है, वर्सेटाइल है, मुझे तो काफी अच्छी लगती है। कि लव बनाया, सैडनेस माँ के ऊपर बनाया, घर वाले काफी अच्छा लिखते हैं, मतलब बहुत मजा। तो अब देखते हैं वंडर बॉय कैसा होगा। तो चलिए फिर गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को जिसका नाम है हैप्पी पिल्स, और बेल आइकन भी दबा देना गाइस, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेला वंडर बॉय म्यूजिक वीडियो एल्बम प्रूव देम रॉन्ग। हाजिरी सब आसान अगर पैसा हो जेब में, मगर चेहरे पे नूर को संभालना लाजमी। गुरूर तुझे शिक्षा दे ऐसा ना बंदो, बंदो में तेरी हो बुराई क्या सफलता। बाप जब भी पूछे बेटा खुश है ना तू, जानी पैसा फेंक के भी ये सवाल नहीं थमता। मन में विचार नहीं है पालते नफरत, तो लहू तेरे अश्कों के रंग सा लगता। प्यार जैसे बोलती है जाना तेरी आंखें, अगर दिल से नहीं होता तो क्यों सजना पड़ता। जा बेटा जा, तेरी गाड़ियों में घूमते रहे अपनों से बड़े तेरे सपने हो गए। आज तेरे दोस्त तुझे दोस्ती ना माने, मगर घर में दो और ज्यादा कमरे हो गए। नींद भरो नींद इन्हें कौन जगा रहा, जो मेरे साथ उन्हें पता हमें नींद नहीं आ रही। काश इन्हें पता होता जिंदगी का मोल, तो ये मौत जिंदगी में दबे पाँव नहीं आती। हम बने मिट्टी के मिट्टी में मिलके जाना, या तेरा मेरा करे लोग इन्हें बोझ बढ़ाना। फेम तेरे रूप को बदल दे रहा है, ये तेरे कपड़ों के रंग का जुनून बता रहा। माफ करो मुझे मेरा सच सही है, मैं तेरी झूठ वाली दुनिया का कल में डरा। कोई मेरी लाइफ को अजीब बताए, तो कोई बोले पहला सीधा सीधा कल दिखा रहा। ओके देखा मुझे भगवान ने तो बोला, सुन बेटा तू है मेरा वंडर बॉय। किसी को नहीं पता तेरा स्ट्रगल, किसी को नहीं पता तेरा हसल। बिना पूछे पैसे चाहिए थे तो चुराए, अभी बिना पूछे जितना मन में आए उड़ाए। मेरे मुंह पे बने लोग थोड़े मेरी माइंड, इन्हें फक्स ही नहीं देती मेरी बिजी लाइफ। होता शक मेरे दिल को दिमाग पे, करूं प्यार मगर बात नहीं आवाम से। लगा ताला मेरी ईगो और जुबान पे, ताकि होना काम है अभी से कोई फांसने। लेके अवार्ड्स मैंने टांग दिए दीवार पे, खड़े लोग आके सामने मकान के। 20 साइन मेरे हाथ दोनों जुड़े रहे, मुझे पता है मेरे दिन कितने बुरे रहे। ओ गॉड इन्हें कैसे होता नहीं है रियलाइज, कि यहां बैल बुद्धि लोग करे रूल इनकी पूरी लाइफ। रेन गोज देना सनी डे कम्स, कब तक तुझे आजमाना लक। हाँ पहले गाने वाले ढंग से तू लिख, उसके बाद कभी पूछना कि कैसे होगा मनी डाइस। इन्हें चाहिए पहले 4 टाइम का ड्रग, फिर 3 महीने में एक गाना बस। देखा मुझे भगवान ने तो बोला, सुन बेटा तू है मेरा वंडर बॉय। ओके देखा मुझे भगवान ने तो बोला, सुन बेटा तू है मेरा वंडर बॉय। ओके देखा मुझे भगवान ने तो बोला, सुन बेटा तू है मेरा वंडर बॉय। वीडियो भी काफी अच्छी बनाई। ओके देखा मुझे भगवान ने तो बोला, सुन बेटा तू है मेरा वंडर बॉय। साहब यार भाई क्या लिरिक्स लिखता है भाई बेला, मजा आ गया। ओ माय गॉड, मतलब फाड़ दिया है भाई वंडर बॉय के लिरिक्स में। तो मतलब
सच में प्रूव देम रॉन्ग जो टाइटल रखे ना एल्बम का एकदम करेक्ट रखा है. घर वाले भी इतने अच्छा था ना उसकी लिरिक्स वगैरह भी. और वंडर बॉय पे इनने मतलब कंपैरिजन भी दिया है ना कि मैं ऐसा था और अब मतलब जैसे बुरे टाइम्स भी देखे घर पे और अब ये टाइम आ रहे हैं तो लोग मेरे घर के बाहर. भाई एक एक लाइन जो वो बोल रहे थे ना लिरिक्स में वो हिट कर रही थी. और क्या मतलब कोई नहीं जानता यार कि हम कितनी मेहनत करते हैं कितना हसल कर लेते हैं वही ना. क्योंकि लोग हेट देना आसानी से हेट देते हैं पर कोई पीछे की मेहनत नहीं जानता है ना. और वो लाइन कितनी अच्छी लग रही थी ना जब मैं भगवान से ना तो भगवान ने बोला तू है मेरा वंडर वंडर बॉय. और वीडियो में रेफरेंस भी अच्छे दिए थे जैसे वो शायद जो पूरा ग्लिटरी से शाइनी सा वो भगवान ही थे क्योंकि बेला चलते जा रहे थे और इधर उधर दिखने लगे और उनने हाथ में बलून्स पकड़े थे. बलून्स भी ब्लैक कलर के थे. वीडियो का थीम थोड़ा डार्क था देखा कि मेरे को ऐसा मतलब मेरा वो है कि ऐसा रेफरेंस दिया था कि उनने अपनी फीलिंग्स और पकड़ के चले समझ आया एंड हुआ तो उनने उसे रिलीज कर दिया. मतलब सही है उनने तो उन्हें लिरिक्स बहुत ही मतलब भारी लिरिक्स मजा आ गया. मतलब फाड़ू लिरिक्स मतलब एक एक लाइन जो लिरिक्स में थी ना वो बहुत ज्यादा हिट कर रही थी. मतलब जो भी सुनी ना. और बेला का मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि वो ये पॉइंट आउट भी करते हैं कि रैप इंडस्ट्री में कितना वो है ना. रैप इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जैसे ड्रग्स लेके 3 महीने में एक गाना निकालते हैं कि इनको 4 तरीके के ड्रग्स चाहिए तब 3 महीने में जाके इनका एक गाना आता है. मतलब बहुत लोग फ्लेक्स करते हैं कि भाई हमने फूंक दिया तो हम अब गाने तब उन्होंने बोला भी था उसमें कि अब हम अच्छा लिख पा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि 4 तरह के ड्रग्स लेके तुम महीने में एक गाना निकाल लो. और वो वाली लाइन ना पैसे की बातें करते हो पहले लिख तो लो कि अच्छे गाने तो लिखो. और वो जो कि कपड़ों से पता चल रहा है कि फेम सर पे चढ़ चुका है. तो काफी अच्छे लिरिक्स थे यार मुझे काफी मजा आया. मतलब नाइस यार नाइस. और ये भी काफी अच्छा है जो डाउन टू अर्थ रहना चाहते हैं बहुत ज्यादा. हाँ क्योंकि जब पैसा आना शुरू होता है तो थोड़ा है। और वो गानों में इस अपने रैप में मतलब इस बात का जिक्र भी काफी करते हैं कि लोग कितना बदल जाते हैं ना जैसे ही पैसा आता है. मतलब मेहनत करना छोड़ देते हैं लोग. जैसे स्टार्टिंग में लोग बहुत मेहनत करते हैं ना कि हम ऊपर जाए फ्यूचर में मतलब ऊपर तक लाए. लेकिन जब वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो फिर लोग थोड़ा इजी गोइंग हो जाते हैं. मतलब उतनी मेहनत नहीं करते हैं. और थोड़ा फ्रेंडशिप के ऊपर उन्होंने बोला था कि अब दोस्त नहीं रहते. वो हो जाता है कि एक जना से टूट जाता है प्रोग्रेस कर रहा था तो दूसरा मतलब पीछे रह जाता है तो टूट जाता है वो चीज. पर ऐसा होता है कि अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो साथ रह पाते हैं करके. हां तो कि जो आपकी ग्रोथ में भी खुश होता है ना. तो उन्होंने बोला है लिखा है वो कि अब तो दोस्त भी दोस्त से वो नहीं है करके ना. तो बेला उस चीज को मतलब जो लाइफ की जो रियलिटी है ना उस चीज को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं अपने रैप्स में. तो मुझे मतलब मैं काफी वो कर पाती हूँ उससे रिलेट. तो काफी अच्छा लगता है. पूरी जर्नी दिखाई ना कि ऊपर बढ़ते बढ़ते क्या हासिल था क्या छूटा और क्या छूट जाता है और क्या साथ में रहते हैं. मतलब धीरे धीरे हम अपना जो अपना अच्छा वो वर्जन होता है आई थिंक वो छोड़ते हुए चले जाते हैं जब हम ज्यादा फेम में पहुंच जाते हैं. इन शॉर्ट एक ही है जो भगवान है और मैं उसका वंडर बॉय हूं. ओह माय गॉड काफी प्यारी लाइन थी ना वो भी. तो काफी मजा आएगा इस सॉन्ग में. आपको भी बताना. अच्छा तू बोल चल चल बोल बोल. मैं कह रही हूँ कि आप भी बताना कि आपको कैसा लगा वंडर बॉय सॉन्ग. मुझे तो काफी अच्छा लगा. मतलब दिल को छू गया है भाई मुझे तो. बहुत मस्त बेला बहुत अच्छा. लिरिक्स तो एकदम. म्यूजिक की बीट भी काफी अच्छी थी ना. और म्यूजिक का प्रोडक्शन भी इसमें एडिटिंग जिसने भी किया अच्छी. मजा आया काफी. तो गाइस ये था अपना रिएक्शन. मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को जिसका नाम है हैप्पी पिल्स. बाय गाइस.